तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी इंडियन आर्मी लवर हैं, एक बार फिर से लगातार आप वैकेंसी की अपडेट तो पा ही रहे हैं, बट आज आपको स्पेशली मैं अपडेट लेके आया हूं AOC के विषय में, दैट मीन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। इसके रिक्रूटमेंट 2023 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं थोड़ा सा लेट जरूर हूं, बट एग्जैक्टली आपके सामने हाजिर हूं नई अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन लेके। और कहीं ना कहीं मैंने एक वचन ले लिया कि हर तरह की डिफेंस की अपडेट, जो किसी भी तरह की वैकेंसीज आती हैं, वो 10th लेवल की हों, 12th लेवल की हों, ग्रेजुएशन लेवल की हों, डायरेक्ट वैकेंसीज हों, हर तरह की वैकेंसीज मैं आपके सामने ले आऊंगा और एक एक इन्फॉर्मेशन कमिटेड तरीके से आपके सामने बच्चा पेश करूंगा। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, बढ़ चढ़ के मेजर कल्सी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस कमिटमेंट के साथ सौरभ सर आपको बोलते हैं कि हर वैकेंसी बेटा आपके सामने क्लियर तरीके से और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैं लेके आऊंगा। तो चलिए आज इसी कड़ी में एक नई वैकेंसी की बात करते हैं। आज बात करते हैं AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के विषय में। चलिए तो सबसे पहले बात तो ये भर्ती जो है, जैसा कि आपको पता है कि गोला बारूद की भी फैक्ट्रियां हमारे जो है फौज के अंदर हैं, तो उनमें भी स्पेशल रिक्रूटमेंट्स होते हैं जो बेसिकली उस फैक्ट्री का निरीक्षण कर सके, उस फैक्ट्री को सेफ्टी जोन में ले जा सके। इसी बात को लेकर के दो कैटेगरी उन्होंने बांटी, एक फायरमैन कैटेगरी बताई है और एक ट्रेड्समैन बनाई है। फायरमैन मतलब ऑब्वियसली आग, क्योंकि जानते हैं गोला बारूद का मसला है तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पर फायर के इशूज़ हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए लोग चाहिए। और ट्रेड्समैन क्योंकि टेक्निकलिटी भी इंपॉर्टेंट है, हर तरह से चीजों को बनाने के लिए, संभालने के लिए, तो ट्रेड्समैन कैटेगरी में भी लोगों को हायर किया जा रहा है। तो चलिए आज इस जबरदस्त वैकेंसी को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। टोटल 1793 वैकेंसी हैं, 1793 आपने बड़ा हर जगह लगा भी देख लिया होगा, जिसमें डिवाइडेड जो वैकेंसीज हैं कि उसमें जो कैंडिडेट हैं ट्रेड्समैन कैटेगरी में वो टोटल 1249 कैंडिडेट को रखा गया है, और जो फायरमैन कैटेगरी में उनको टोटल 544 कैंडिडेट्स को रखा गया, मतलब टोटल वैकेंसी 1793 है। आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा। फॉर्म जैसा कि स्टार्ट हो चुका है आपका, 28/1 से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट डेट जो है 17/2 तक है, तो एनफ टाइम है, बिल्कुल जाइए फटाफट अप्लाई करिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम डेट भी जल्दी आपको नोटिफाइड कर दी जाएगी, बट मोटा मोटा आप मान के चलें कि एक महीने के जस्ट बाद एग्जाम हो जाएगा, मतलब मार्च में आपके जो है लास्ट में एग्जाम ये शेड्यूल हो जाएगा। तो मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत ही प्राइम टाइम है जब आपको फोकस होकर के, डेडिकेट होकर के जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन पर लगना होगा बच्चा, और एग्जाम से पहले बेहतर करना होगा। कैसे MKC आपकी मदद करेगा इस पूरी प्रक्रिया में, ये विषय भी बहुत अहम है। तो बिल्कुल हम इस सारे विषय को लेके बात करेंगे, और साथ ही साथ बात करूंगा आज कि आखिर एज का क्राइटेरिया क्या है। वैकेंसी डिटेल मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, और डिवाइड करके इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, स्टेट वाइज वैकेंसीज का क्या मसला है, क्या सर बाकी स्टेट के लोग बाकी स्टेट में नहीं कर सकते हैं, इसको भी लेके बात कर लेंगे। क्वालिफिकेशन को लेके बात करूंगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को लेके बात करूंगा, फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं मैं उनको लेके बात करेंगे, रिटर्न को डिटेल में आपको समझाऊंगा कि रिटर्न एग्जाम में कैसे आपको बेहतर करना है, क्या करना है, उसके विषय में हम प्रॉपर बच्चा बात करेंगे। और साथ ही साथ मेजर कल्सी क्लासेस क्या कुछ बेहतर करने वाला है जो भी बच्चे फॉर्म को अप्लाई करने हैं, और जल्दी एक बड़ी अनाउंसमेंट आपको जो है हमारे सोल्जर इंटरव्यू जो चैनल है MKC का वहां पे भी देखने को मिलेगा, और MKC लर्निंग ऐप किस तरह से आपकी मदद करेगा बिल्कुल घर बैठे तैयारी के लिए, और बिल्कुल हमारे तरफ से जो किताबें होंगी वो कैसे आपको सपोर्ट करेंगे एग्जाम में बेहतर करने के लिए। तो हर दृष्टिकोण से आपको ये सेशन बिल्कुल कवर करने वाला हूं। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से, शुरू करते हैं आज का सेशन। फॉर्म अप्लाई डेट जो है स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट जाइए अप्लाई करिए। एज जो है 18 से 25 तक मोटा मोटा है बच्चा, और ऑब्वियसली फर्स्ट फेब तक अगर आप ये एज कंप्लीट कर रहे हैं तो आप फटाफट जाके अप्लाई करिए। एंड जो OBC कैटेगरी के हैं 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब उनका 28 हो जाएगा और जो ST/SC कैटेगरी में है उनका अप टू 30 ईयर्स तक है, मतलब 18 से लेकर 30 साल तक हो जाएगा, मतलब 3 ईयर्स 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। बेसिकली वैकेंसी बहुत डिटेल में है, मैं यहाँ चार्ट बगल में दिख रहा है इसको भी दिखा देता हूँ कि जनरल कैटेगरी में देखें तो ट्रेड्समैन में 508 रखे हैं, फायरमैन में जो है टोटल 222 रखे हैं, 730 पोस्ट हैं जो है जनरल कैटेगरी में। EWS में 124 ट्रेड्समैन में है, 54 आपकी फायरमैन में बचे, 178 वैकेंसी आपकी टोटल हैं। OBC में 337 आपकी ट्रेड्समैन में, 147 फायरमैन में, टोटल 484 हैं। SC कैटेगरी में 187 जो है आपकी जो है ट्रेड्समैन में है, 81 आपके फायर में है, 268 पोस्ट हैं टोटल। ST में भी देख लें तो 93 हो गया ट्रेड्समैन में, 40 हो गया फायर में, टोटल मिला के 133। अगर टोटल जोड़ लें तो जो हमारा ट्रेड्समैन का देखने को मिल रही है वैकेंसी वो आप देख ही रहे हैं, 1249 हो रही है, और टोटल में जो है इधर फायरमैन में 544, ओवरऑल दोनों जोड़ लें तो 1793 वैकेंसीज हैं। अब इसमें जो अगला सबसे बड़ा चार्ट है कि AOC ट्रेड्समैन वैकेंसी 2023 स्टेट वाइज इसको बांट रखा है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है। स्टेट वाइज में जाते हैं तो इसको कई सेगमेंट में बांटे हुए हैं, जैसे ईस्टर्न में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश को बांट रखा है, फायरमैन की दे रखा है 69, ट्रेड्समैन मेट को दे रखा है बच्चे 139 वैकेंसी। वेस्टर्न में देखें तो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 71 और 43 जो है बांट रखा है फायरमैन और ट्रेड्समैन में। वहीं नॉर्दर्न की बात करें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 119 और 181 में बांट रखा है फायरमैन और जो है आपके ट्रेड्समैन में। साउदर्न की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु 111 और 206 आपने कर रखा है।
साउथ वेस्टर्न की बात करें तो राजस्थान गुजरात में 89-164 कर रखा है। सेंट्रल वेस्ट की बात करें तो एमपी यूपी उत्तराखंड राजस्थान में जो है 39-66 कर रखा है। सेंट्रल ईस्ट का देखें तो हम लोग सिक्किम झारखंड वेस्ट बंगाल 46-63। जब इतना मैं राज्य गिनाता हूँ सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि इसमें बहुत सारा राज्य तो है ही नहीं, स्पेशली बिहार ही देखने को मिल जाएगा। तो एक पहली बार बता दूँ कि ये स्टेट वाइज यहाँ लिखा हुआ है, बट किसी भी स्टेट का बच्चा किसी के लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो आप किसी भी राज्य विशेष से आते हैं, आप जिस भी जो है जोन में जाके जिस भी रीजन में जाके आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो पूरी आ जाती है। तो पहला कंफ्यूजन आपका खत्म। दूसरा, अब क्वालिफिकेशन की बात आती है, एलिजिबिलिटी, तो 10th पास आपका मांगा गया है जो है फायरमैन के लिए और ट्रेड्समैन के लिए, 10th पास इसमें भी आपका जो है मांगा गया है। दैट मीन एक और कंफ्यूजन यहां से हट जाए दिमाग से कि कोई टेक्निकल कोर्स या चीजें करके आए हैं, बट ऑब्वियसली आपके लिए सरप्लस तो होगा बेटा, अगर आपने कुछ टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं तो उनके बेनिफिट तो आपको हमेशा मिलते ही मिलते हैं। आइए अब बेसिकली सैलरी वगैरह की बात, ठीक ठाक सैलरी है, ठीक है ना। पहली बात तो यार परमानेंट कमीशन कैटेगरी में है, ठीक है ना, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो ठीक ठाक सैलरी है, मोटा मोटा बताए भी हैं, ट्रेड्समैन में जो है 18,000 से लेकर 56,900 तक, और फायरमैन में बताएं 19,900 लेके 63,200 रुपए तक। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, तो सबसे पहला इन्होंने फिजिकल रखा है और प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट कह लो उसको, फिर रिटन एग्जाम है, फिर डॉक्यूमेंट है, फिर मेडिकल एग्जाम है, प्रोसेस तो वही होता है हमेशा से जानते हैं। तो अब सबसे पहले जो है हम लोग चलो ट्रेड्समैन को समझेंगे कि आखिर भाई फिजिकल टेस्ट में क्या लेने जा रहे हैं, क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले जब हम ट्रेड्समैन की बात करते हैं तो 1.5 किलोमीटर जो है इनको दिया गया है 6 मिनट में करने के लिए, और साथ ही साथ जो है 50 किलो जो है 200 मीटर जाना है लेकर के, 50 किलो का लोड 200 मीटर तक जाना है 100 सेकंड के अंदर, ये क्राइटेरिया रखा गया है। और साथ ही साथ जो है इसमें ये भी कहा गया कि आपका वेट वगैरह भी कितना है वो होना चाहिए। तो जैसे फायरमैन में भी जो है क्राइटेरिया फिक्स है, तो यहाँ भी क्राइटेरिया फिक्स रखा गया है कि आपका अराउंड 65 केजी तक का जो है वेट वो एक्सेप्टेबल है जब ट्रेड्समैन कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब फायरमैन को भी समझ लेते हैं, हाइट का जो क्राइटेरिया 165 सेंटीमीटर तक रखा गया है, वहीं जो है 50 केजी वेट इसमें रखा गया है। फिजिकल में 1.6 किलोमीटर यहाँ 6 मिनट में करना है, चार्ट बगल में दिखाई देगा बना हुआ। साथ ही साथ इसमें दो तीन चीज़ें और बढ़ा दी हैं, जैसे कि इसमें जो है जो क्राइटेरिया में बढ़ाए हुए हैं कि 2.5 मीटर का जो है आपको लॉन्ग जंप भी करने का वहाँ पे है, और साथ ही साथ क्लाइंबिंग करना 3 मीटर का वर्टिकल रोप रहेगी जिसमें आपका हैंड और फीट दोनों यूज करते हुए बच्चे आप रोप पे क्लाइंब करेंगे। तो ये मोटा मोटा फिजिकल स्टैंडर्ड जो बगल में दिखाई देगा। तो फिजिकल इतना बड़ा तोप नहीं है, आप इसको बढ़िया कर सकते हैं, अभी से करते चले ही आए हैं। अब आ जाते हैं मेन जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि वो सबसे अहम हो जाता है और आपके लिए उसके लिए बेसिकली समझना जरूरी है कि पेपर पैटर्न क्या चीज़ें किस तरीके से हैं। तो देखो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, मोटा मोटा रीजनिंग के जो है वो 25 क्वेश्चन है, 25 ही नंबर है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात कर लें, मतलब अर्थमेटिक की, अंगणित की, तो 25 क्वेश्चन है, वो भी 25 नंबर ही है। जनरल इंग्लिश जो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर, और टाइम 2 घंटे का है, मतलब टाइम मैनेजमेंट बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं बच्चा, एंड बिल्कुल दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, 1/4 या 0.25 का जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को मिलेगा। अहम चीज़ जो समझने वाली है कि प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है कि आपने फटाफट फॉर्म भरना है बच्चा, फॉर्म के बाद फिजिकल की तैयारी कर लेना है। 1.5 किलोमीटर की रेस कोई बहुत बड़ी नहीं है, 1.6 किलोमीटर की रेस, हाँ थोड़ा वेट लेके जो दौड़ना है वो एक टास्क है, उसके लिए थोड़ा मजबूत होइए, प्रैक्टिस करिए, उसके लिए फिजिकल उस तरह का रिहर्सल और प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ मेजर कलसी में स्पेशल ट्रेनिंग ही इसी चीज़ को लेकर हमने प्रॉपर ग्राउंड बना रखा है, जहाँ बच्चों को बिल्कुल उनके रेसेस को लेकर के, लॉन्ग जंप को लेकर के, क्लाइंबिंग रोप को लेकर के, जैसे वेट भी लेके दौड़ने वाला, तो सारा चीज़ का ट्रेनिंग प्रॉपर ढंग से अपना रियल ग्राउंड है एमकेसी का, जबरदस्त तरीके से आपके वहाँ ट्रेनिंग चलती है। बेहतरीन फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं आपके पास आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, जो आपके साथ मेहनत करते हैं, आपको अप टू द मार्क बनाते हैं, जो भी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। साथ ही साथ रिटन की तैयारी की बात है तो बेहतरीन है यार मेजर कलसी क्लासेस भारत में, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन हम देते हैं, और हमने तो स्पेशल चैनल ही बना रखा है सोल्जर एंट्री के नाम से, कुछ अलग नहीं होता है। अर्थमेटिक रीजनिंग इंग्लिश जी के जो भी क्लर्क कैटेगरी के बच्चे एग्जाम देते आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि घूम फिर के वही सब कुछ है बेटा, वही अर्थमेटिक है, वही रीजनिंग है, वही जीके है, वही इंग्लिश है, बस जरूरत है कि एक बार ऑर्गेनाइज थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया जाए और इनके स्पेशल मॉक करा दिए जाएं यूएससी के, और इनसे ओरिएंटेड थोड़ा क्वेश्चन आपको करा दिया जाए तो कॉन्फिडेंट रहेगा। बिल्कुल हमारे क्लासरूम कैंपस का बनना चाहें हिस्सा तो बिल्कुल आइए, आप सबका स्वागत है। हमें कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे बच्चा, जबरदस्त हम बैच देंगे, स्पेशल आपको फोकस देंगे आपके रीजनिंग पार्ट पे, अर्थमेटिक पार्ट पे, जीके पे, इंग्लिश पे, बेस्ट टीम मिलेगी पढ़ाने के लिए, मतलब फिजिकल भी हो जाएगा आपका, रिटन भी बढ़िया हो जाएगा, मेडिकल के लिए बेस्ट है पूरे भारत में, क्योंकि मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर इकलौता सेंटर है पूरे भारत का जो पूरी मेडिकल प्रक्रिया से
से आपको लेके गुजरता है और सर्टिफिकेशन देता है, श्योर शॉट मेडिकल इन होंगे, कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वाकई में मेडिकल सी एक ऐसी डेस्टिनेशन है बच्चा, जिसको चुन करके आप शत प्रतिशत सफल हो सकते हैं। अगर ऑफलाइन आपका टारगेट है तो बिल्कुल आंख बंद करके मेडिकल सी का हिस्सा बनिए और अपने लक्ष्य और अपने गोल को तय करिए। ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, MKC लर्निंग ऐप वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया का, जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है हमारे साथ हमारे स्पेशल यूट्यूब चैनल MKC सोल्जर एंट्री क्लासेस का जरूर हिस्सा बनिए। डेली अर्थमेटिक की भी क्लास मिलेगी, रीजनिंग की भी मिलेगी, GK की भी मिलेगी और इंग्लिश की भी मिलेगी, तो वहाँ से भी मैं आपकी मदद कर रहे हैं। तो हर दृष्टिकोण से बच्चा हमारी कोशिश यही है कि आपको बेहतर बनाएं और आपको रिजल्ट के करीब ले जाएं। बट इसके बावजूद कोई क्वेरीज एंड कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैंसन करिए, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके आदेश पर एक बार फिर से आपके सामने सारे क्वेश्चन और क्वारीज को क्लियर करने के लिए। बट वाकई में जज्बा है फॉर्म भरने के साथ इस बार शत प्रतिशत EOC में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी है बच्चा। तो मैं कहूँगा फटाफट आइए MKC, बस करना क्या, उठाना है फोन, कर लेना है कॉल हमें 9696330033 पर, या व्हाट्सअप भी कर सकते हो 9696220022 पर। दोनों ही माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट होइए, हमारे साथ जुड़िए और फाइनली अपनी जो है AOC में जाने का जो सपना है उसको पूरा करिए। वेलकम टू MKC, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत।